अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत मज़ेदार यूनिक और पकौड़ों की बहुत ही नई रेसिपी, जो भी खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा और बहुत ही डिफरेंट है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 kg आलू लेंगे और इनको हम पीले की मदद से जो है वो पील कर लेंगे। तमाम आलूओं को हम इसी तरह पील कर लेंगे। उसके बाद हम एक स्लाइसर लेंगे और उसकी मदद से हम इनके पतले पतले स्लाइस काट लेंगे। तो तमाम आलू के स्लाइस काटने के बाद नाइफ की मदद से हम इनको लॉन्ग स्ट्रिप्स की शेप में जो है वो लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। तो पतला पतला काटने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक इनको अच्छी तरह पहले वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद एक बाउल लेंगे और उसमें मैं 1 tablespoon नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर 1 tablespoon, लाल मिर्च पाउडर 1/2 tablespoon और काली मिर्च पाउडर 1/4 tablespoon और बेसन और 1/4 cup मैदा ऐड किया और पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी तो इसका अच्छा सा एक बैटर रेडी हो जाएगा। क्योंकि बैटर ऐड करेंगे लिक्विडी बैटर इसका नहीं बनाना। तो ये जी हमारा पोटैटो मिक्सचर तो रेडी हो गया। मैं चिकन मिक्सर की तरफ आ रही हूँ तो मैंने 1/2 kg चिकन का कीमा लिया है। इसके साथ ही मैंने 1/2 cup इसमें गाजर चॉपी हुई ऐड किया, सब्ज़ प्याज 1/4 cup ऐड किया है और साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 1/2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 tablespoon, जीरा पाउडर 1/2 tablespoon, गरम मसाला पाउडर 1/2 tablespoon और हल्दी पाउडर 1/2 tablespoon और इसको मैं अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी ये फॉर्म होनी चाहिए। तो हम इसका बंद कर देंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके हम छोटे छोटे हाथ की मदद से छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेंगे। तो इसके तमाम मिक्सचर का जो है वो मैं इसी तरह सारे बॉल्स रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद मैं क्या करूँगी कि मैंने जो पोटैटो मिक्सचर लिया था वो थोड़ा सा लूँगी हाथ के ऊपर, उसके ऊपर हम चिकन ऐड रखेंगे और उसके ऊपर फिर हम पोटैटो मिक्सचर रखेंगे। इसी तरह इन सबको हम बाइंडिंग कर लेंगे और ऑयल हम जो है वो पहले से प्री हीट है तो इसी तरह हम इनको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जो है वो लाइट गोल्डन करेंगे। और जैसे ये लाइट गोल्डन होंगे आप इसको सर्व करें। बहुत मज़ेदार है और बहुत यूनिक है। इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके।